हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ कुछ और नई ट्रिक्स। आज की ट्रिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाली और बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाली है। ये जो अभी आप ट्रिक देख रहे हो ये 4-in-1 ट्रिक है, 5-in-1 ट्रिक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैजिक है सिर्फ एक ही ट्रिक में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना अच्छे से। और आज पहली बार बोल रहा हूँ पहली, तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 1 से। इसको करने के लिए आपको आना यहाँ पर सोशल जोन में, और यहाँ पर आपको आना इस वाले टायर के पास। आप लोकेशन अच्छे से देख लेना मैं कहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर आपको पहले इस तरह से क्राफ्ट टूल सेट करना है जैसे कि मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। और दूसरा वाला क्राफ्ट टूल आप अच्छे से देख लेना, ये इस तरह से अंदर चला जाएगा, आपको ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। फिर ही आपको इसको सेट करना है। ये वाला स्टेप थोड़ा सा हार्ड है, आप अच्छे से देखना कैसे मैंने क्राफ्ट टूल को सेट किया। अगर आपने अच्छे से देख लिया फिर आप इजीली इस स्टेप को यूज़ कर पाओगे। तो फिर आप आ जाओगे इस तरह से पानी के नीचे, फिर आपको इस साइड में आना है। आप देख लो अच्छे से मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, और आप अच्छे से देख लेना मैं किस किस साइड से जा रहा हूँ, नहीं तो आप कहीं ना कहीं पे अटक जाओगे। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सर्फ बोर्ड यूज़ करना है, फिर इस तरह से बाहर निकल जाना है। और बाहर निकलने के बाद आपको किस साइड में आना है यहाँ पर भी आप अच्छे से देख लेना है, यहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप इस ट्रिक को कर पाओगे। और यहाँ पर आने के बाद आपको इस तरह से बैठना है, फिर यहाँ पे स्केट बोर्ड यूज़ करना है, फिर यहाँ पे टैप करना है स्प्रेड पे, और जहाँ पे दो बार टैप करना है। और जैसे आप पूरा ऊपर आ जाओ यहाँ पर आपको जल्दी से फिर स्केट बोर्ड को बंद कर देना है। फिर आप आ जाओगे इस तरह से ऊपर, और अभी आप इजीली बैठकर यहाँ पर एनिमीज और अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज कर सकते हो। जो भी यहाँ पर एनिमीज और आपके फ्रेंड्स होंगे सोशल जोन में वो यहाँ पर आपको इजीली देख पाएंगे। तो आप उनको सरप्राइज करने के लिए इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको कंबाट जोन का भी इस तरह से व्यू देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और इस वाले ट्रिक को करने के लिए आपको किसी भी गाड़ी के पास आना है। पहले मैं आपको यहाँ पर रिक्शा पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से गाड़ी को चला देना है जिस भी आप गाड़ी के साथ इस ट्रिक को कर रहे हो। तो यहाँ पर पहले हम इसको जला देते हैं, और गाड़ी को जलाने के बाद पहले आपको वेट करना है गाड़ी के पूरा जलने का। जैसे गाड़ी पूरी जल जाए आपको किसी भी साइड में इस तरह से ग्रेनेड का एम करना है, फिर यहाँ पर ग्रेनेड को यूज़ करना है। और ये जब भी वापस आएगा ग्रेनेड यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ेगा जैसे कि आप देख सकते हो। और आप इस ट्रिक को इस गाड़ी के साथ भी कर सकते हो, क्या है इसका नाम मैकलेरिन कार, इसके साथ भी आप इजीली इस ट्रिक को कर सकते हो। इसको भी आपको पहले सिंपली इस तरह से फोड़ देना है, पूरा डिस्ट्रॉय कर देना, फिर इस तरह से ग्रेनेड फेंकना है, यहाँ पर भी आपको बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ेगा। तो आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हो कैसे मैंने पर ग्रेनेड फेंका, और यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ा। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर एक जीप के पास, यहाँ पर भी हम इस ट्रिक को ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए गाड़ी को फोड़ देते हैं, और यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा एनिमीज थे आसपास, बहुत मुश्किल से ये ट्रिक कर पाया हूँ। मतलब मैं यहाँ पर दो बार नॉक हो चुका हूँ, फिर ही मैंने यहाँ पर ट्रिक को ट्राई किया। तो चलिए इसको भी यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं, इसके साथ भी इजीली ट्रिक हो चुकी थी जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर भी मुझे बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ा था, और इस ट्रिक को करने के लिए मुझे बहुत बहुत टाइम लगा। मतलब कम से कम मुझे 5-10 गेम खेलने पड़े तभी मैं इस ट्रिक को कर पाया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पर अभी हम आए हैं बाइक के पास, इसके साथ भी इस ट्रिक को ट्राई कर लेते हैं। आपको पता होगा ये सभी के सभी व्हीकल ढूंढने में मुझे कितना टाइम लगा होगा। मतलब हर गेम में तो हर कोई व्हीकल मिलता नहीं है, और ऊपर से जून वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा इस ट्रिक को करने में। तो प्लीज़ इस वीडियो को आज लाइक कर देना, आज पहली बार इतना बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ आज लाइक कर देना। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर ब्लू कार के साथ, इसको भी हम फोड़ देते हैं। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हमें यहाँ पर जला दी। गरीना देख लिया तो केस कर देगा सीधा हम पे, हमने इसकी इतनी गाड़ियाँ तोड़ी, अगर उसने देख लिया तो सीधा हम पे केस तो ठुकने ही वाला है। और आप पर भी, आप भी इस ट्रिक को ट्राई करोगे ना तो आपके पास भी केस आएगा, मतलब आपके ऊपर भी केस ठोक देगा। तो थोड़ा सा संभल के एक गेम में एक ही गाड़ी फोड़ना है, नहीं तो गरीना हो जाएगा नाराज़, फिर वो क्या कर सकते वो आप खुद ही सोच लो। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर लैम्बोर्गिनी के साथ, इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं इस ट्रिक को। तो यहाँ पर हमने इसको भी जो है तोड़ लिया, आपको पता होगा कितनी ज़्यादा महंगी गाड़ी है, फिर भी मैंने इसको आपके लिए जला दिया, समझ सकते हो। तो हमारी गाड़ी पूरा बंगार बन चुकी है, यहाँ पर हम इसके साथ भी इस ट्रिक को ट्राई कर लेते हैं। देखो गाइस यहाँ पर भी मुझे बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ा, बस अब एक ही गाड़ी बची है, उसके साथ भी इस ट्रिक को ट्राई कर लेते हैं। वो है ये पानी वाली कार, इसका नाम क्या है मैं बार बार बोल जाता हूँ, पता नहीं कितनी बार बोल दिया बहुत सारे बंदों ने, बट फिर भी मैं इसको बोल जाता हूँ। तो चलो छोड़ो इसका नाम का करना भी क्या है वैसे, अभी हम इसको ट्रिक को ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर। और आप जो तो राइट से कर सकते हो ट्रिक को, लेफ्ट से कर सकते हो, पीछे से आगे से कहीं भी से भी इस ट्रिक को कर सकते हो। चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर, और ये वाली ट्रिक बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाली है, आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखी होगी, मतलब बिल्कुल देखी ही नहीं होगी। तो इस ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो यहाँ पर वॉल हैक ट्रिक का यूज़ करे। अगर आपको नहीं पता कैसे करनी है मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। सबसे पहले उसको आना है गाड़ी के पास, यहाँ पे उसको बोलना है कि वो स्केट बोर्ड और ड्राइव पे एक साथ टैप कर दे, फिर उसको जल्दी से गेम को मिनिमाइज करना है 1-2 सेकंड के लिए, फिर गेम को खोल देना है। उसके बाद उसका इस तरीके से स्केट बोर्ड यूज़ हो जाएगा और वो गाड़ी के बाहर बैठा होगा। फिर आपको खुद यहाँ पर किल हो जाना है, मतलब जैसे वो ट्रिक को फिनिश कर ले, ट्रिक को अच्छे से कर ले, फिर आपको खुद यहाँ पे किल हो जाना है, जैसे कि मेरा फ्रेंड भी यहाँ पर किल हो चुका है।
तो फिर आपको क्या करना है, बस अभी आपको जाना है स्किल हो के अपने फ्रेंड के ऊपर स्पेक्टेट करना है उसको, फिर आपको वो भी दिखेगा जो मैंने अभी आपको पहले ही दिखा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फ्रेंड अभी मुझे स्पेक्टेट कर रहा है और उसको अच्छे से ये ट्रिक अभी दिख रही है। तो चलो गाइस अब मैं यहाँ पर भी किल हो जाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किल हो चुका हूँ, मेरे फ्रेंड ने उस ट्रिक को कर लिया है वॉल हैक ट्रिक को और मैं यहाँ पर किल भी हो रहा हूँ। तो चलो गाइस जल्दी से यहाँ पर किल हो जाते हैं, अभी हम चलते हैं अपने फ्रेंड के ऊपर स्पेक्टेटिंग पे। तो ये वाला है मेरा फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हवा में बैठा है, मतलब जैसे कि ये गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, बट नीचे कुछ भी है नहीं, जैसे कि आप अच्छे से देख ही सकते हो। और यहाँ पर जो इसकी बाइक भी यहाँ पर चल रही है इधर उधर बिना ड्राइवर के, मतलब मेरा फ्रेंड यहाँ पर इनविजिबल एक तरीके से हो चुका है। तो देखो गाइस यहाँ पर जो है मतलब एक जगह बैठ के पता नहीं क्या क्या कर रहा है, मतलब क्या ही फनी व्यू यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और उसकी बाइक भी जो है बिना ड्राइवर के चली जा रही है। पेट्रोल क्या तेरा बाप भरेगा। तो चलो गाइस अभी हम थोड़ा सा और यहाँ पे हिस्ट्री का देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो हूँ रिवाइव हो चुका हूँ वेंडिंग मशीन से, मेरे फ्रेंड ने मुझे रिवाइव कर लिया है। अगर आप रिवाइव भी होते हो फिर भी आपको फ्रेंड यहाँ पर इस तरीके से हवा में ही दिखेगा, मतलब ये ट्रिक करने के बाद आप किल हो के जब फिर से रिवाइव होके यहाँ पर आ जाओगे आपका फ्रेंड यहीं पर बैठा होगा इसी तरीके से। क्या बोलते हो गाइस अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर एक सेल्फी ले ले। चल भाई ले ले हमने सेल्फी, बहुत ही ज़्यादा मस्त व्यू यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो अभी मेरा फ्रेंड यहाँ पर बाइक को ड्राइव कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो मैं यहाँ पर रिवाइव होके आ चुका हूँ और मेरा फ्रेंड यहाँ पर गाड़ी को ड्राइव कर रहा है और वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, मतलब आप यहाँ पर देख ही सकते हो बाइक बिना ड्राइवर के चली जा रही है। तो चलिए चलते अब ट्रिक नंबर 4 की ओर। और इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको आना है सबसे पहले यहाँ पर सोशल जोन में, और यहाँ पर आपको इस तरीके से स्केट बोर्ड और बाइक पे एक साथ टैप कर देना है, फिर आपको थोड़ा सा पीछे जाना है, फिर ऊपर एग्जिट पे टैप करके वापस चले जाना है टारगेट रेंज में। और यहाँ पर आने के बाद आपको जाना है गन बॉक्स के पास, यहाँ पे आपको क्राफ्ट बाय करना है, फिर आपको चले जाना है कंबाट जोन में। और ये वाली ट्रिक आपको हो सकता है पता ही हो कैसे हम यहाँ पर क्राफ्ट ला सकते हैं कंबाट जोन में, तो वही वाली आपको यहाँ पर ट्रिक यूज़ करनी है। और क्राफ्ट लाने के बाद आपको यहाँ पर आना है इस कंटेनर के पास, यहाँ पे आपको इस तरह से बैठना है इस कोने में, और यहाँ पर बैठने के बाद आपको क्या करना है आपको इस तरह से क्राफ्ट सेट करना है, जैसे हमने ट्रिक नंबर 1 में किया था सोशल जोन में वैसे आपको यहाँ पर भी करना है। सेम तरीके से यहाँ पर 2 क्राफ्ट सेट करने हैं, पहला इस तरह से, फिर दूसरा इस तरह से थोड़ा सा अंदर चला जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे फेस्ट का यूज़ करना है, जॉस्ट को थोड़ा आगे घुमाना है, फिर आप इस कंटेनर के अंदर आ जाओगे। और अंदर आने के बाद अभी हम यहाँ पे अच्छे से इनविजिबल हो चुके हैं, बाहर से हमें कोई भी नहीं देख सकता, ना ही हमें बाहर से कोई किल कर सकता है। और आप भी जो है अंदर बैठ के किसी को किल नहीं कर सकते गन से, हो सकता है यहाँ पर डैमेज दिखे बट आप यहाँ पर किसी को भी गन से किल नहीं कर सकते। बट अगर आपको किसी को किल करना है फिर आपको पहले यहाँ पर ग्रेनेड बाय करने हैं, वो यहाँ पर लेके आने हैं, फिर आप इजीली यहाँ से ग्रेनेड बाहर की तरफ फेंक सकते हो और यहाँ पर इजीली एनिमी को भी किल कर सकते हो। यहाँ पर भी जो है मैंने इजीली इस बंदी को किल कर दिया था, जैसे कि आप यहाँ पर अच्छे से देख ही सकते हो। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।